I understand you're obviously you're taking half of it. I'm speaking to my colleagues in finance to find out that during construction whether or not you need a license from the council as landowner. गाइज़ और वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जुमरात का दिन है और सुबह सुबह जा रहे हैं हम तीन बंदे जो हैं वो अभी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं ब्राउन हिल्स की तरफ। और जैसा कि आप सबको पता कि हमारा एक जो लैंड है ब्राउन हिल हाई स्ट्रीट पे वो लिया हुआ था इससे आई थिंक तीन साल पहले लिया था। और काउंसिल के साथ हमारा एक जो है वो नेगोशिएशन चल रही थी, वहाँ पे पब्लिक पाथ है बेसिकली, वहाँ पे जाके एक्सप्लेन आपको करूँगा मैं वीडियो में आगे चल के। और आज काउंसिल के साथ हमारी फाइनल मीटिंग है, वहाँ पे कुछ डिस्कशन करनी है काउंसिल के ऑफिसर के साथ और कुछ चीज़ें तय करनी है उनके साथ। तो मैंने सोचा कि ये ब्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए और ये जो एक हमारी लैंड है वहाँ पर ये भी आपके साथ शेयर की जाए। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और वहाँ पर जी काउंसिल के इंस्पेक्टर के साथ जब हम बात वत करेंगे गपशप लगाएंगे तो वो भी आपके साथ कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की अगर उसने इजाज़त दी। वैसे आपको अपनी लैंड जरूर दिखाएंगे और वहाँ पे जो क्या प्लान है हमारा वो भी आपको बताएंगे, प्लान भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस और मिलते हैं अभी ब्राउन हिल चल के। ये है जी ब्राउन हिल की हाई स्ट्रीट और एंट्रेंस में वीडियो बनाना थोड़ा भूल गया, वापसी भी बनाऊंगा बड़ी ख़ास चीज़ें दिखाने के लिए आपको। एंट्रेंस पे बड़ा खूबसूरत सा ये टाउन है ये, और ये दाएँ बाएँ जानब आप देख सकते हैं तकरीबन हर तरह की शॉप्स मौजूद हैं। और यहाँ पे हमारा जो लैंड है वो आने वाला है जी थोड़ी देर के बाद। ये यहाँ पे हमारा जो प्लाट है ये इधर है, ठीक है जी। ये बस स्टॉप है और बस स्टॉप के साथ ये वाली जहाँ पे आपको वो फूल खिले हुए नज़र आते हैं ना, ये फूल खिले हुए ये यहाँ पे रास्ता, ये हमारा प्लाट है सारा। अभी आपको वहाँ पर चल के दिखाते भी हैं कि क्या सीन है, क्या करेंगे हम। आ रहे हैं सुबह सुबह गाड़ियों को टिकट ठोके जा रहे हैं, पैसे बनाए जा रहे हैं। और ये काउंसिल का कार पार्क है बैक साइड पे, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और ये इधर हमारी ये लैंड हमारी है सारी, ठीक है जी। आज ये गाड़ी पार्क कर दी हमने इधर, अभी जो है वो आपको दिखाते हैं थोड़ा सीन जो है वो फ्रंट कैमरे से कि जो हमारी लैंड है वो यहाँ कहाँ पर है। थोड़ा सा ये जो पाथ है ना ये है हमारी लैंड में तकरीबन तीन से चार फुट हमारी लैंड में है। तो वही हमारा काउंसिल के साथ सारा कुछ चल रहा था, वो अप्रूव हो गया कि ये पाथ मूव करेंगी काउंसिल। ये जो आप पाथ देख रहे हैं ना ये आधा हमारी लैंड में है, तो ये काउंसिल अब मूव करके इसको इस साइड पे लेके आएंगे इस साइड पे। तो वो काउंसिल हमसे आज उनसे जो बात हमारी होनी है वो ये होनी है कि अगर हम ये मूव करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारा क्या प्लान है, क्योंकि इसमें काफ़ी इलेक्ट्रिकल स्टफ़ भी है, नीचे से सीवरेज भी जा सकती है, और अगर वो करेंगे तो वो हमसे कितने पैसे लेंगे। तो यही कुछ आज डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे आए। ये जहाँ पे रिजवान खड़ा है इससे इधर इधर ये लैंड सारी हमारी है, वो वहाँ से लेके ये सारी, ठीक है, हाई स्ट्रीट पे ये मेन रोड आ गया हाई स्ट्रीट यहाँ पे। तो यहाँ पे जी बनेगी दो जो शॉप्स हैं वो फ्रंट पे हैं, दो शॉप फ्रंट पे यहाँ पे बनेगी, एक इधर और एक इधर बनेगी शॉप। लंबी जाएंगे वो पीछे, एक पीछे बनेगी उसका शटर इस तरफ होगा, इसके ऊपर जो इसके ऊपर है वो फ्लैट्स की परमिशन है हमारे पास, तीन फ्लैट की परमिशन है हमारे पास। लेकिन वो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो वो सामने, वो वैसे हम बनाएंगे डबल स्टोरी, इसके ऊपर हमने 4 से 5 फ्लैट की परमिशन करनी है, ठीक है जी, ऊपर वाले ग्राउंड में। तो आज जो इंस्पेक्टर के साथ हमारी यहाँ पे वो अपॉइंटमेंट है वो इसलिए है कि ये जो पब्लिक पाथ है ये जाता है ये पीछे कार पार्क के काउंसिल हाउस में। आज हमारी अपॉइंटमेंट उनके साथ ही है कि ये पब्लिक पार्क चूंकि यहाँ तक जो है ये हमारी लैंड में। हाँ ओके, यस मिस्टर नवीद, हाँ ही इज देयर, आ जाओ। हाउ आर यू ओके? गुड थैंक यू। सो यहाँ पे जो है वो यहाँ तक ये पाथ हमारा काउंसिल का आ गया है, जो इंस्पेक्टर आ गया काउंसिल का, यहाँ से इधर ये पाथ हमारी लैंड में है, ये मूव होने की परमिशन मिल गई हमें। लेकिन आज की जो मीटिंग है वो ये है कि हमने मूव करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर उन्होंने मूव करना है तो वो तकरीबन 50,000 तक मांग रहे हैं, 50,000 पाउंड, ठीक है जी। तो यही आज की हमारी मीटिंग होगी और इसी पे आज हम बात करेंगे, और उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाएगा मूव हो जाएगा उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो अपना बिल्डिंग बनाना शुरू करनी है, ठीक है जी। ये भी हमारे लैंड में है, ये सारा कुछ हमारे लैंड में है, पीछे कार पार्क भी बड़ा खुला काउंसिल कार पार्क है, ये सामने सारा। I'm speaking to my colleagues in finance to find out that during construction whether or not you need a license from the council as landowner in order to go onto our land to construct your property, or whether if it's classed as highway at that stage, and obviously it'll come directly from our highways colleagues, you have a license from the highways colleagues. So I just need to determine
who from the council you need permission from to get onto access to our land in order to develop yours. Okay. And then the final thing is really, obviously, access over this car park. During the construction. Yeah. Okay. And I thought if you had car parking spaces on your development, that you might need an easement, something more permanent. Yeah. As you haven't, we don't need the easement yet. Just looking at a simple license, to be honest. And that was about £200 a month or something. We can try and keep it down. So something like that. That's what I'm thinking. But just wanted to double check with you and confirm that you didn't have any parking. So obviously, they might be looking at a different type of agreement. I'll look at some sort of runs with the land rather than short term. One thing I think Joanne has mentioned on her post about the license on this side, because obviously we will be having scaffolding to provide a temporary path. I think they have done a drawing on this side. ये बात कर रहे हैं कि जो है वो जब हमने यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, यानी कि जब शॉप बनानी है ऊपर डबल स्टोरी करना है, तो उसके लिए हमने पब्लिक के लिए पाथ कैसे बनाना है, उनको कैसे हमने जो है वो रास्ता देना, चूँकि ये देख रहे हैं पब्लिक यहाँ पे आ रही है, ये पीछे कार पार्क है, और उसके लिए हमें एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। कह रहे हैं कि हम आपको लाइसेंस देंगे, वो लाइसेंस आपने लेना है हमसे, £200 का वो खर्चा महीने का, तो उसके बाद हम यहाँ पे एक टेम्परेरी कार पार्क देंगे, टेम्परेरी पाथ बनाएंगे उनके लिए। अच्छा ना गाइस, काउंसिल इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग हमारी हो गई है ख़त्म और सारे मामला तय पा गए। आपने देखा भी होगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट की मीटिंग थी। बेसिकली वो कुछ चीज़ें कन्फर्म करना चाह रहे थे हमसे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये रास्ता मूव करने की परमिशन ग्रांट हो गई हमें, अब हम इसको मूव करा सकते हैं खुद या काउंसिल से भी करवा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई हैं काउंसिल ने, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। तो जो वीडियो है, एक डिटेल में वीडियो इसके बारे में, वो बाद में आएगी जब हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अभी फ़िलहाल गुड न्यूज़ ये है कि हमारा 2 साल की मेहनत है यहाँ पे, और 2 साल के बाद हमारा ये प्रो जो है वो, यानी कि पब्लिक राइट ऑफ वे, यहाँ से मूव हो गया। अच्छा ना, जैसा कि आपने देखा है कि मीटिंग हमारी हो गई है, काउंसिल का जो ऑफिसर था उसके साथ सारा कुछ वो ज़बरदस्त तरीके से हो गया है, और परमिशन ग्रांट हो गई हमें रास्ता पाथ जो था वो मूव करने की, और इसी खुशी में हम जा रहे हैं जी। किधर जा रहे हैं जी हम? लेडीपुर रोड जा रहे हैं, अलवापुरी जनाब, अलवापुरी चने। आज देसी नाश्ता, इसी खुशी में हमने कहा कि देसी नाश्ता करेंगे, लेडीपुर रोड पे जा रहे हैं। लाहौर, पता नहीं किस तरह का नाम है यार उनका, मुझे सही, लोहरी नाश्ता प्रॉपर देसी नाश्ता करना है। मेरी कोशिश होगी पाए से मिले वहाँ से, और बाकी जो यहाँ अलवापुरी वगैरह खाएंगे। लोहरी चने पराठा, यार नहीं, लोहरी नाश्ता नाम है कुछ इस तरह का नाम, तो वहाँ से एनीवे हमने देसी नाश्ता करना है, वो भी आपके साथ शेयर करना है, और इसी खुशी में ये पार्टी दे रहे हैं हमें, तो जो है वो आप साथ रहे एंड तक, देखिए नाश्ता भी आपके साथ शेयर करते हैं और साथ उसका थोड़ा रिव्यू भी करेंगे इंशाल्लाह, और मिलते हैं फिर लेडीपुर रोड लोहरी नाश्ता। अपना लाहौर तो बंद हो गया, वो उसका कोई रेनोवेशन वगैरह चल रहा है, तो ये एक मिला है द टेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये देखें ये चीज़ें जो है वो याद करवाती है। पहले दौर में ना जब छोटे होते थे हम, तो वो डब्बू को और पीपू को वो रंग करवाते थे, ऐसे घरों में लोग आया करते थे रंग करने के लिए ना, जिसमें आटा वगैरह डालते थे हम, पेटियाँ वगैरह होती थी छोटी छोटी, जो लोग पाकिस्तान से हैं उन्हें पता होगा मैं किसी से बात कर रहा हूँ। तो ये बड़ी अच्छी एक मेमोरी ताज़ा होगी, यहाँ पे आके अंदर चलते हैं, ऑर्डर कर रहे हैं लड़के हलवा पूड़ी नान वगैरह सारा कुछ, ऊपर चल के बैठते हैं और आके आपको दिखाते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। सकाफत है पहले दौर ना, सकाफत थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा रंग पे, पर मज़े वाली चीज़ ये है जरा, दिल बड़े फरोख्त, दिल बराए फरोख्त, दिल बराए फरोख्त, नसीब अपना अपना, पसंद अपनी अपनी, फिर दिल गया तुम लिया, तुमने लिया हम क्या करें। ये देखिए, ये तुमने कैसा रास्ता रखा, न पास आए ना फासला रखा, दिल ना दिए बस दुआ दिए, वाह जी वाह कमाल। पाए हैं छोटे, और हमने साथ तिली वाला नान ऑर्डर किया, साथ हलवा पूरी भी ऑर्डर किया हमने। आप नहीं खाते पाए, ये पूड़ियाँ हैं, पराठे 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 ऑर्डर किया, ठीक है चलो ज़बरदस्त हो गया। चाय भी ऑर्डर किया हमने साथ, पाए तिली है नान तिली है, पाए पाए पैडने मजा आ गया, जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त, हाँ हाँ कमाल, बहुत जबरदस्त पाए बने यार, लजीज
कमाल के पाए बने आउट क्लास हाँ हाँ ऐसा जबरदस्त जूसी टेस्ट है यार पाकिस्तान लाहौर याद आ गए कमाल भाई याद है।